आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में 3 नए कृषि विधेयक लाए गए हैं। इन कृषि विधेयकों के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के हितेशी बिल को किसान विरोधी बताते हुए जबरन किसानों को बरगला कर अपना मतलब साधने की कोशिश कर रही है। किसान बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इंदौर के दशहरा मैदान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में किसान सम्मेलन का आयोजन बुधवार को किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं विधायक तुलसीराम सिलावट के कट्टर समर्थक भाजपा परिवार के सदस्य लोकेश लक्की अवस्थी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित हुए तथा अपने दोनों हाथ उठाकर केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि विधेयकों को किसान हितेशी बताते हुए समर्थन किया। लक्की अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में सांवेर की जनता ने 55,000 वोटों से श्री तुलसी सिलावट को विजय बनाकर यह बता दिया कि भाजपा की सरकार किसान हितेशी सरकार है और आज यहां पर जो बड़ी संख्या में किसान आए हैं उन्होंने बता दिया है कि सरकार द्वारा लाए गए सभी 3 नए बिल किसान हितेशी हैं। किसान कांग्रेस के भ्रम जाल में आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से बौखलाकर कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। आप यहाँ की भीड़ देख लें और अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसमें सांवेर की जो जीत का आंकड़ा हुआ था 55,000 के ऊपर, उसने ये बता दिया था कि जो भाजपा से सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन की सरकार है और ये जो बिल आया है वो भी किसानों के समर्थन का बिल है। ये जो शिवराज सिंह चौहान जी की नीति है, ज्योतिराज सिंधिया जी की नीति है, वी डी शर्मा जी की नीति है और इसी के नेतृत्व में सांवेर से तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में हम जो लोग इतने किसान जो हजारों बसों में आए हैं ये समर्थन बता रहा है कि किसानों के लिए भाजपा क्या करती है। ये अन्य पार्टियां जो भ्रम फैला रही है इसके बारे में आप ही कह रही है। कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती है और आप ये भीड़ देख सकते हैं जो इन्होंने भीड़ जो भीड़िया है वो समर्थन की भीड़ है।